हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी स्टडी। इस वीडियो में हम एक रिक्रूटमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे जो ECIL के द्वारा जारी किया गया है। ECIL इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इंटरप्राइजेस में आती है, ठीक है। इसमें 500 प्लस वैकेंसीज आई है, 3 पोस्ट के लिए आई है वैकेंसीज, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इस रिक्रूटमेंट के बारे में पता चले। देखिए फ्रेंड्स, इसमें पोस्ट कौन कौन सा है, तो पोस्ट देखिए, ये पोस्ट हमारा इसमें है जूनियर टेक्निकल ऑफिसर, ठीक है, जूनियर कंसल्टेंट फील्ड ऑपरेशन ग्रेड ग्रुप 1 ग्रुप 2, ठीक है। ये सभी वैकेंसी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लेगी, 1 ईयर की कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। सबसे अच्छी बात यह है कि इस पर आपको कोई फ़ी नहीं लग रहा है, ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, नो फी कुछ नहीं है, बस डायरेक्ट आपका इंटरव्यू होगा, या फिर अगर ज़्यादा कैंडिडेट्स पहुँचते हैं तो फिर आपका रिटर्न एग्ज़ाम प्लस इंटरव्यू होगा। तो देखिए, सबसे पहला जूनियर ऑफिसर, जूनियर टेक्निकल ऑफिसर के बारे में देख लेते हैं। इसके लिए हमारा 100 पोस्ट है, ठीक है। अपर एज लिमिट 20 ईयर्स दिया है, और इसका जो पेमेंट है मंथली जो पेमेंट है वो 19,032 रुपीज़ का पेमेंट देगी, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं जूनियर कंसल्टेंट फील्ड ऑपरेशन ग्रेड 1 ऑन कॉन्ट्रैक्ट के 300 वैकेंसीज हैं, ठीक है। इसके लिए भी 300 वैकेंसीज हैं, इसका अपर एज लिमिट दिया है आपका 25 ईयर्स, और पेमेंट है 17,500 अप्रॉक्स, ठीक है। सेम है कंसल्टेंट फील्ड 2 ग्रुप 2 का, इसमें है 106 वैकेंसी, ठीक है। अपर एज 25 साल है और 15,000 पेमेंट है, मतलब 16,000 रुपये पेमेंट है, ठीक है। इसमें आपको जो गवर्नमेंट का जो रूल्स है, ST SC और OBC का जो प्रिफ्रेंस मिलता है, या फिर ये मिलता है कंसेशन मिलता है, वो सभी इसमें अप्लीकेबल होंगे, ठीक है। उसके बाद कहते हैं कि इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो ये देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसमें क्या क्या ज़रूरत है। सबसे पहले बात तो सॉरी पोस्ट वन के लिए आपका BE और BTEC होना अति अनिवार्य है, यानी नेसेसिटी है। BE BTEC इन किसी भी फील्ड में, मैक्सिमम फील्ड आपका इसमें अप्लीकेबल है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स एप्लीकेबल है, मैकेनिकल एप्लीकेबल है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, ठीक है। ये सभी में आपका कोई ना कोई एक डिग्री होना चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास अगर एक्सपीरियंस है तो आपको इस पर एडिशनल बेनिफिट्स मिलेगा, ठीक है। अगर एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट्स को एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलेगा, इसमें एक्स्ट्रा बेनिफिट्स इन द सेंस जो सिलेक्शन होगा उसमें आपको बेनिफिट्स मिलेगा। बात करते सेकंड पोस्ट के लिए, पोस्ट नंबर 2 के लिए आपका थ्री ईयर फुल फॉर्म डिप्लोमा होना चाहिए इन एनी डिसिप्लिन, किसी भी डिसिप्लिन में। इसके लिए आपको क्या है, मिनिमम 60% एग्रीगेट मार्क्स होना चाहिए, ठीक है, इन एनी इंस्टीट्यूट, ठीक है, किसी भी इंस्टीट्यूट से। उसके बाद हम बात करते हैं थर्ड पोस्ट की, तो थर्ड पोस्ट में है आपका आईटीआई होना मस्ट है इन कौन सा, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल, RNTV एंड इलेक्ट्रिकल एंड फिटर, ये जो चार दिया हुआ है इसी चार में से आपका आईटीआई में डिग्री होना चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लीकेबल हैं। इसमें भी वही चीज़ दिया है कि अगर आपका इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस है तो यू विल गेट भी एडवांटेज, मतलब आपको एक एक्स्ट्रा प्रिफ्रेंस मिलेगा, ठीक है। सबसे इसमें बड़ा चीज़ है कि आपका इसमें एक टर्म्स एंड कंडीशन है कि जो कैंडिडेट जो इसको अप्लाई करेंगे वो फर्स्ट डिवीज़न उसका होना चाहिए, ठीक है, आपके जो डिग्री है उसमें। उसके देखिए वही सिलेक्शन का प्रोसेस बताया गया, सिलेक्शन प्रोसेस के लिए आपका अगर ज़्यादा बच्चा आएगा तो रिटर्न टेस्ट होगा, नहीं तो सिर्फ इंटरव्यू होगा, ठीक है। तो रिटर्न टेस्ट एंड इंटरव्यू सब ये कहाँ होंगे, ये आपका हैदराबाद में होंगे, ठीक है। डेट टाइम और वेन्यू आपका ये आपको बता दिया जाएगा ईमेल के थ्रू, या फिर आपको मैसेज कर दिया जाएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि इसमें बताया गया जनरल कंडीशन में कि आपको TA DA का अलाउंस नहीं मिलेगा एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। बिफोर अप्लाइंग द कैंडिडेट्स यू मस्ट रीड ऑल द, ये सब दिया हुआ है, वो तो सब में जो कॉमन रहता है, ये सब पढ़ लेना। आपको इसका मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आप इसको कहाँ से अप्लाई करना है, तो इसको अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है कि ऑनलाइन अप्लाई करना है। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको जाना पड़ेगा इस वेबसाइट पे, ठीक है, इस लिंक दिया हुआ है, इस वेबसाइट के इस लिंक पे जाना होगा, careers.ecil.co.in पे। वहाँ पे जाने के बाद आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसका फॉर्म का स्टार्टिंग डेट 21/9/2018 से 29/9/2018 तक है, ठीक है।
अब बात करते हैं उसके बाद इसमें क्या है कि आप जब फॉर्म भर लोगे उसके बाद एक आपको प्रिंट आउट लेना है। प्रिंट आउट लेने के बाद क्या है कि आपको इसमें रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटो चिपका के ऑन द राइट टॉप कॉर्नर ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन, मतलब कि आपको जो फॉर्म भरिएगा उसमें जब प्रिंट आउट निकलेगा तो ऊपर में आपको बस अपना एक फ़ोटो चिपकाना है, रिसेंट फोटोग्राफ, और उसको अटेस्टेड कराना है। अटेस्टेड डेट ऑफ बर्थ, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, कास्ट, जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स है उसको आपको एक एक कॉपी किसी एक एक कॉपी को अटेस्टेड करा के आपको एक ये जगह भी भेजना है यानी पोस्ट करना है। ये आपका एड्रेस दिया हुआ है पर्सनल मैनेजर रिक्रूटमेंट, यहाँ पे आपको पोस्ट कर ये भेज देना है, ठीक है। ये आपका कब तक पहुँचना है, तो ये आपका जो लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने का तब तक आपको ये पहुँच जाना चाहिए, ठीक है। इसका सारा डिटेल्स, शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स, रिटेन टेस्ट, जो भी आपका होगा ये सारा कुछ आपके इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे मिलेगा। कहीं से अगर आपको मिलता है तो वो सब फेक रहेगा, इसका ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करते रहिए रेगुलरली, वहाँ पे आपका सारा डिटेल्स इसमें यहाँ पे आपको मिल जाएगा। अब बात करते हैं इसमें एज रिलैक्सेशन की, जो आपका जनरल गवर्नमेंट का रूल्स है उसके अनुसार एज रिलैक्सेशन मिलेगा। तो अब देखिए इंपॉर्टेंट डेट्स क्या क्या है इसके लिए हैं। सबसे चीज़ है देखिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का आपका कब से स्टार्ट होगा, 21/9/2018, ठीक है। इसके लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है और लास्ट डेट है 29/9/2018। देखिए टाइम बहुत कम है, आप जल्दी से जल्दी इसको रजिस्टर कर लीजिए। और लास्ट डेट फॉर एक्सेप्टिंग रजिस्ट्रेशन फ्रॉम हार्ड, जो आपको जो भेजिएगा हार्ड कॉपी कुरियर या पोस्ट के थ्रू, वो आपका 8/10/2018 तक पहुंच जाना चाहिए कैसे भी करके। उसके बाद क्या है कि रिटर्न टेस्ट के लिए आपको एक कंपनी डिसाइड करेगी, उसके बाद आपको अपने उसके अपने वेबसाइट पे डाल देगी, तब आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको बोलूँगा कि ecil.co.in वेबसाइट पे विजिट कीजिए और यहाँ से अप्लाई कीजिएगा, किसी फेक साइट से अप्लाई मत कीजिएगा, नहीं तो आपका पैसा फालतू में चला जाएगा, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स।